नॉर्मली हम शुरू कर रहे हैं अपना व्लॉग, और व्लॉग शुरू करने से पहले जब मैं और मिथुन हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे तो आर्यन को भनक लग गया कि हम अभी कैमरा जब सामने है तो अभी हम व्लॉग शुरू करें, तो चुपचाप आके यहाँ पे बैठ गए। मिथुन भी आज ऑफिस से आ गए तो अब देख सकते हैंडसम मिथुन को, क्योंकि मिथुन ने वही वाला जो नया टी शर्ट लिए थे तो वही टी शर्ट पहने, सैंडल दिखाई दे रहा था तो उसे मैंने छुपा दिया थोड़ा सा। अच्छा, आज घर में चाय पियेंगे या बाहर जाएंगे? हाँ वो भी अच्छा है, पर इतना ज्यादा भीड़ होता है ना वहाँ पे एक तो बातें करना ही मुश्किल हो जाते हैं। इसका खाना बहुत खराब है, ये कौन सा वाला सामने उड़ुपी भवन से थोड़ा आगे जो दुकान है वो खाना बहुत खराब है, उसमें कोई नहीं आता है, उस दुकान में जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो हम अगर शांति ढूंढते हैं तो ऐसे कोई शॉप में जाना पड़ेगा जहाँ पे दूध कम पानी ज्यादा। क्या नाम है उस शॉप का? यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे खाली खाली रहता है थोड़ा बहुत, जब भी जाता हूँ। अगर दिल की बात करना हो या तो डेटिंग करना हो तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, बजट में भी आ जाएगा और अच्छा खासा मतलब शांति में मिल जाएगा। 10 रुपए में टीवी मिल जाएगा और टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम भी, और कोई नहीं बोलेगा उठो 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 चलो उठो उठो। उडुपी भवन में क्या होता है बताए, ये बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चाय आधा खत्म होते ना मतलब वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं नैपकिन लेके, मतलब उनके बस चले तो काप ऐसे उठाए ऐसे हमें पिलाए और वो साफ करके चले जाए, इतना जल्दी करते। तो मैं और मिथुन जो हम दोनों हंसते रहते कि हमने चाय पीते ना ऐसे डर डर के, मिथुन आया मेरे पीछे देखो, मिथुन बोले मेरे पीछे है, इस तरह से मतलब इतना ज्यादा भीड़ रहता है। जब फिर देखती हूँ कि वो लोग नैपकिन लेके आ रहे हैं ना, फटाफट से हम चाय पी लेते चाहे गुना हो या कुछ भी हो, क्योंकि अब ये टेबल साफ करके चला जाएगा। मतलब आप उठो, इंडायरेक्टली बोल रहे हैं आप उठो, आप उठो, भीड़ बहुत ज्यादा है, लाइन लगा के खड़े हैं, बात मत करो बस चाय पी के चलते बनो। Just watch me break in your sweat, you're falling into me, touch me. 30-35 হবে বললাম, আমি মিনিট তো বলিনি, সরি। এই বল না, লোকো কে এক্সপেকটেশন গলত তো সেট হয়ে যায়। আরে নেই, মেরা আবি জো টার্গেট হে ও হে 2 মিনিটস, 2 মিনিটস তক মুঝে এসে রহনা। ये बहुत अच्छा है टमी फैट को, सॉरी कोर मसल को टाइट करने का बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज है। लाइक दिस हो गया आपका? हो गया, चल रहा है लाइव आने का तैयारी, तो यहाँ पे सब कुछ तैयार है, सारे नाम और चल हटे तले को नहीं। तो अभी एक एक करके सारे लोग आने वाले हैं, तो सारे लोग आ जाए मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आ जाए तो उसके बाद मैं अनाउंस करूंगी गिव अवे का, जो कि मैंने 12 नाम चुना है, जो कि बहुत ही कम है। इतने सारे मेरे अच्छे अच्छे सारे व्यूअर्स हैं, उनमें से 12 चुनना कितना मुश्किल था मेरे लिए बस मैं ही जानती हूँ। हमारा लाइव खत्म हुआ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सारे विनर्स को, और जो लोगों का नाम नहीं आया उनके लिए, नाम नहीं आया मतलब जो लोग विन नहीं हुए तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा आपके नाम, और नॉमिनेशन भी अब मैं कुछ नए लोगों का करूंगी और ये सारे लोग भी कंटिन्यू रहेंगे तो ये इनमें से भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो इस तरह से और ये सब करते हुए आप लोगों के नाम निकलना वो तो मैं सुबह ही निकल लिया था, और फिर चीज बनाना ये सब करते हुए ना आज मैं अपना कुकिंग नहीं किया, आज मैंने वर्कआउट पे नहीं गई, तो मिथुन बोल रहे तो कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, चलो हम सब मिलके बाहर जाते हैं, जाके हम डिनर करके आए। तो चलो आज का पूरा दिन आप लोगों के नाम, तो घर में आज मैंने कुछ भी नहीं किया बस यही किया एंड तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तो ये पहनी हुई हूँ, पर यहाँ पे ये योगा के जो पैंट है ये पहन के बैठी थी, और ये जो सेटअप था ये था इंस्टा वीडियो बनाने के लिए, अभी इसे ठीक करना है।
तभी अभी हम आए डिनर करके और बाहर गए थे, वहाँ पे कुछ ये नहीं था कि मैं अपना वीडियो शूट करूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई. पर ठीक ठाक था, बस कुछ स्पेशल वाला, मतलब अभी थोड़ा बहुत डाइट में हूँ तो इसलिए स्पेशल कुछ नहीं था. तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं. स्प्राउट्स खिला के लाया वो बताओ. क्या मिथुन स्प्राउट्स खिला के लाया वो बताओ. नहीं, स्प्राउट नहीं, पर ऐसा ही मतलब सिंपल सा खाना. ऐसे कपड़े देख के कुछ ज़्यादा कुछ सोचना मत. आर्यन के एग्जाम ख़त्म होने के बाद हमें कहीं पे डिनर या तो लंच के लिए, अच्छा कहीं पे डिनर या लंच के लिए हमें हम जाने वाले थे, तो अभी तक वो टाइम नहीं आया. तो तो बस घर में खाना नहीं बना तो इसलिए हम बाहर गए थे. तो ऐसा ही हुआ था. मिथुन ने हर एक चीज कर, मिथुन खुद बोले थे कि जब आर्यन का पहले एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद एग्जाम खत्म होने की खुशी में हम एक दिन पार्टी करेंगे. तो वो टाइम दो वीक हो गया ना. रियलाइज्ड द मोर यू डिले द मोर यू गेट. अजीब सा हंसी है तुम्हारा, अजीब सा. नहीं, उसी लिए तो आपको बोलना चाहिए, मतलब ये आप हस्बैंड लोगों के लिए है. हा? जब भी यू नो ऐसे वाइफ बोलेगा हाँ वो ये खत्म होने दो उसके बाद, तो खत्म होने दो उसके बाद. अरे ये बीच में आ गया. ठीक है, मैं मिथुन के बातों को छोड़ दीजिए, मतलब मिथुन तो ऐसे ही एक स्टोरी बता रहा हूँ. एक बंदा था एचआर में काम करता था, उसका वाइफ ने मुझे उसको बोला कि मुझे होटल में खाना है. कहाँ खाना है? कोई बड़ा सा होटल का नाम बोला, इधर खाना है. ये एक जोक्स है एक्चुअली, तो मैं स्टोरी हिसाब से सुना रहा हूँ. तो एचआर का बंदा बोला ठीक है चलो चलते हैं, गाड़ी लेके निकला बीवी को लेके. रास्ते में एक पानी पूरी का दुकान आया, तो बोला बहुत दिन हम लोग ने पानी पूरी नहीं खाया ना, चलो पानी पूरी खाते हैं. पानी पूरी सोचा कि एक दो पानी पूरी खाते हैं. फिर पानी पूरी खाने लगा, फिर बोला कि चलो पानी पूरी का कॉन्टेस्ट करते हैं. कॉन्टेस्ट करके बीवी जीत गया. ये बंदा 20 खाया, वो बीवी 40 खाया. उसके बाद बोल रहा है कि अब चलो खाने को चलते हैं डिनर. तो बीवी बोल रही है नहीं आई एम फुल. तो डिनर का पैसा बच गया. तो ऐसा करना चाहिए. तो ये तो दिमाग में मेरा रह जाएगा. तो बात ये मैंने आपको पानी पूरी नहीं खिलाऊंगा मेरे साथ तो फिर से नहीं होगा, कभी नहीं चलेगा. चलो बता दिया तो अच्छा किया. तो चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाती हूँ. तो पेची हो गया छे इवे रेखी दीते दीते हो जाए ना. ये देखिए ये हार आपको कैसा लगा. ये मेरे शादी का है. आज मतलब बहुत दिनों से घर में ही था, तो कल मिथुन इसे लॉकर में जस्ट रखने. আরে এইটা ফোকাস কেন করতে পারছি না? মুখটাকে ফোকাস করবে না হাতটাকে ফোকাস করবে? হাতটাকে ফোকাস করবে কেন? হাতটাকে ফোকাস করবে কেন করবে না? আমি এটাই তো সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করছি. সামনে তো আমি এটাই রেখেছি. লোকে তো ফেস ডিটেকশন করে ক্যামেরা. तो मिथुन ये कल लॉकर में रख देंगे. तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूँ शादी का कुछ गहने. आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझे कहा है कि सोमाली तुम्हारा जो ज्वेलरी कलेक्शन है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ मेरे पास इतना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है. पर हाँ मेरे शादी का ये मतलब मेरे आशीर्वाद का है. हाँ मतलब हम बताना चाहता है कि हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिया कुछ, ये सुनाना चाहता है. ऐसे सो के इतना कैसे तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं? कोटा की 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड. 22 कैरेट. अच्छा इसका कहानी, इसका स्टोरी शादी का जो मायके से मिलता है वो नहीं, मायके से जो मिला है मुझे वो है जोड़वा सेट. वो काफी बड़ा है और कान का ये हार दोनों ही. वो है मेरे सासू माँ के पास, क्योंकि वो मैं यहाँ पे नहीं लाई क्योंकि यहाँ पे मैं कहाँ पे पहनूंगी क्या. तो ये थोड़ा सा सिंपल में है. तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मैं जाती हूँ या कोई फेस्टिवल पे तो उस टाइम में मैं साड़ी के साथ इसे पहन सकती हूँ, ये सोच के ये लेके आई थी. तो ये है मेरे शादी का एक निशानी जो आपके साथ मतलब अच्छा लगा शेयर करके. और इस बार जब जाऊँगी मैं अपना गहने तो नहीं लाऊंगी, वो मेरे सासू माँ के पास वहाँ पे मतलब लॉकर में सेफ है तो वहाँ पे रहे. और मैं शादी की और जो रिसेप्शन की जो साड़ियाँ हैं वो मैं लेके आऊँगी, आपको मैं
पहन के दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ, आपको मैं पहन के दिखाऊंगी। अगर इस हार का किसी ने तारीफ कर दी तो पूरा क्रेडिट जाएगा मिथुन को, क्योंकि ये मिथुन ने चूज किया था। ये हार परचेस करने मैं भी नहीं गई थी, वैसे शादी के कोई भी चीजें लड़के वालों की तरफ से, मतलब मिथुन के घर वालों की तरफ से जो भी मुझे दिया गया, एक भी चीज मैं खुद जाके परचेस नहीं की। मम्मी जी गए थे, और मिथुन का कत नंबर चाची तुम्हार, मेरा जो रिसेप्शन का साड़ी है वो अमेजिंग साड़ी है। जब मैं आपको सामने से दिखाऊंगी ना कैमरा में, तब आपको अच्छे से आप तब देख पाएंगे। आज भी वो ट्रेंड में है, आज भी मैं किसी को दिखाऊं तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं, आजकल के जो लड़कियां हैं उनको भी वो साड़ी पसंद आएगा, अपनी शादी के लिए ऐसा साड़ी लेना पसंद करेंगे। पर सासू माँ जो साड़ी लाए थे फर्स्ट टाइम परचेस करके, तो उस टाइम में मिथुन डायरेक्टली गया उस साड़ी को लेके चेंज करके, और भी जो उसके साथ जोड़ना पड़ा जोड़ के बहुत अच्छा साड़ी लाए, वो साड़ी भी आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये भी मिथुन का चॉइस है, तो जरूर दिखाऊंगी। और गहने हर टाइम पॉसिबल नहीं होता दिखाना, पर सारी बारी तो वो घर में रहते तो कोई बात नहीं। जैसे कि आज शाम को ही मैंने बोला था कि आज घर में चाय नहीं बनेगा, तो मैंने नहीं बनाई आज, पर हम कहीं पे चाय पीने भी नहीं गए। तो अभी इतने रात को हमारे मिथुन के ऑफिस एरिया में मन्नता में चाय पीने, तो यहाँ पे बरसा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। दिनों के बाद इधर घुसने नहीं देगा, आई कार्ड नहीं रहेगा, पार्किंग नहीं मिलेगा, लोग घुस पाएंगे बट पार्किंग कहाँ करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम कॉफी पियेंगे, तो उसके बाद घर जाएंगे। लास्टली हमारा जो प्लान था वो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि मिथुन जो बरिस्ता की बात कर रहे थे, वहाँ पे इतने सारे लोग, मतलब जिनका नाइट शिफ्ट है वो सारे वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे ये सब, तो वहाँ पे मिथुन लेके नहीं गए। तो हम वापस नहीं चले आए, यहाँ पे हम डंकिन डोनट्स पे आए हैं, यहाँ पे आइस टी लेंगे। और रियली चलते हुए पार्क किया है कहाँ पे, और यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा है ये टेम्पल, तो चलते हुए ऐसे थोड़ा सा थक भी चुके हैं, और अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हॉट टी से ज्यादा अच्छा है कि कोल्ड टी मिले। तो तुम्हें क्या ऑर्डर करते, तुम्हें क्या कोल्ड टी नहीं, आइस टी नहीं ना? तभी पूरा मन्नता टेक पर घूमने के बाद आर्यन के लिए एक डोनट लेके आई थी, तो आर्यन ने वो खा लिया। मैंने सोचा आर्यन सो गए, तो आर्यन उस टाइम में सो गए, को नींद नहीं आया था ये पता नहीं था। फिर आर्यन आने के बाद मैंने सोचा कि डोनट आर्यन कल खाएगा, तो आने के बाद मैं देख रही हूँ कि आर्यन जगे हुए है, तो जब देखा डोनट और सवर नहीं होता, आर्यन जल्दी से उसको खा लिया। तो अभी हम जाएंगे सोने, और चलिए आप लोगों की भी बाय बाय करते हैं। तो ये था मेरा एक पता नहीं छोटा सा या बड़ा सा ब्लॉग, क्योंकि जब ब्लॉग बनाती हूँ ना तब याद नहीं रहता कि ये ब्लॉग छोटा होगा या बड़ा होगा, पर जब एडिट करके जब उसे वो पोस्ट करने के लायक बनाती हूँ तो उस टाइम में पता चलता है ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो चलिए आज इस ब्लॉग को ये पेंड करते, तो फिर आपसे मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।